हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी का एग्जाम कल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, जल्दी सो जाना, है ना, और सुबह जल्दी उठना, नहीं तो हाँ टाइम पे तो उठ ही जाना, ठीक है। बिल्कुल आराम से पेपर देने जाना, ठीक है। आज मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, वैसे पता होंगी आपको, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी सी भी गलतियाँ मत करना एग्ज़ाम वाले दिन, है ना। बिल्कुल रिलैक्स होके आना और देखो क्या क्या करना है वो आप समझ लेना। तो जिनका भी मॉर्निंग स्लॉट है वो 7:30 AM का रिपोर्टिंग टाइम है, तब तक पहुंच ही जाना, है ना। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, 8:45 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 8:45 उन्होंने लिखा है कि एंट्री नहीं मिलेगी तो उस बजे जाए, है ना। 7:30 पर अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो 7:30 to 8 के बीच में पहुँच ही जाना। सेम जो है आफ्टरनून, वो 1 PM तक आप पहुँच जाना, और उसमें भी 2:15 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो सेम लॉजिक, उसमें भी ऐसा नहीं कि 2:15 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी तो मेन मोमेंट पे जा रहे हैं, काफ़ी पहले चले जाना, ठीक है। आपका जो भी हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड, उसमें अपनी वही फ़ोटो लगाना जो कि आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म में अपलोड की थी, ठीक है। दूसरी फ़ोटो मत लगाना, इसमें मेंशन है, क्योंकि कई सेंटर में उसमें इशू कर सकते हैं, ठीक। तो वही आप अपनी फ़ोटो अपलोड करना जो कि आपने फॉर्म में अपलोड की थी, वही फ़ोटो अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना, ठीक है। कैट में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जो भी एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक ओरिजिनल आईडी ले जाना, है ना। वो कुछ भी हो सकती है, ओरिजिनल होनी चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, कि आधार कार्ड हो, ठीक है। एक दो चीज़ें और मेन समझ लो, आप कुछ भी मत ले जाना घर से, क्योंकि फिर उसको रखने का इशू आएगा। कैट के हॉल में कुछ भी वो अलाउ नहीं करते, ना ज्वेलरी, ना कोई भी मेटल की चीज़, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और अपना आईडी कार्ड ले जाना है, फ़ोटो आईडी कार्ड, ठीक है, वो भी ओरिजिनल। एडमिट कार्ड ले जाना, फ़ोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल ले जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना, पेन वेन कुछ नहीं, सब वो देंगे, और मेटल की कोई चीज़ नहीं, ना ज्वेलरी, अगर आप चेन पहने हो तो वो भी नहीं रहना, रिंग्स हटा देना, सब वो वहाँ पे उतरवा लेते हैं, ठीक है। इवन जैकेट तक भी आप नहीं पहन पाओगे, अगर आपने एडमिट कार्ड पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जैकेट वैकेट कुछ नहीं, उनके एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ है। खतरनाक सिक्योरिटी है, इतनी तो अच्छे खासे इन्हें रहती नहीं है सिटीज़ में भी, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो कैट के एग्जामिनेशन हॉल में है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही रिलैक्स करो, अच्छे से पेपर देना, ठीक है। मेन चीज़ें ये सब सोच लेना, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट मत ले जाना, चेन मत ले जाना, रिंग्स मत ले जाना, सिर्फ आपको दो ही चीज़ें वो अलाउ करेंगे, कैट का एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी कार्ड, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, ठीक है। आराम से पहले से आके बैठ जाना, रिलैक्स करना, ठीक है, इधर उधर जबरन का ध्यान नहीं देना है, है ना। सेक्शन का सिक्वेंस जो भी होगा, वैसे उम्मीद है कि पहला वर्बल एबिलिटी, फिर LRDI और फिर क्वांटी होगा। मेन चीज़ सिर्फ आपको इतनी ध्यान देनी है कि जितना बने सिर्फ उतना करके आना, तुक्के मत लगाना। पेपर इजी होगा तो ज़्यादा बन जाएंगे, टफ होगा तो कम बनेंगे, तो जैसा भी हो बिल्कुल भी उसका प्रेशर मत लेना। और हाँ, स्पीड में करना, पहले वो क्वेश्चन करना जो ईजी हो, टफ क्वेश्चन बाद में करना। ये मैं जैसा कि बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन आखिरी में अटैम्प्ट करना, ईजी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना, ठीक है। और टाइम पे सेंटर पहुंच जाना, ज़्यादा चीज़ें मत ले आना, रिलैक्स रहना, ठीक है। और जो भी आफ्टरनून स्लॉट वाले बच्चे हैं, वो जबरन के मॉर्निंग स्लॉट वालों से मत पूछना कि इजी आया था, टफ आया था, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जबरन आप ही कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि आपका पेपर भी बन चुका है ना। तो ईजी होगा तो ईजी है, टफ होगा तो टफ है, ठीक। और एक दिन पहले, जैसे आज की अभी बात करें, ये सब फालतू की चीज़ें मत देखना कि लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये पढ़ लो, यही आएगा, एक दिन में 90% कैसे लाएं, फालतू की बातें, है ना। इन सब का कोई मतलब नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया उसी पे यकीन रखो। फालतू के वीडियोस बिल्कुल मत देखना, है ना। पता चला कि 2 घंटे बाद पेपर है, अभी आप देख रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैट में आने वाले, है ना। इतना महान कोई नहीं हुआ है कि 34 के 34 क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस पे अब ध्यान मत देना, है ना, एक दिन में 95% कैसे लाओ, इन सब का मतलब नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना, आप सबके अच्छे परसेंटाइल आएंगे। फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत देना,
एडमिट कार्ड ले जाना, फोटो ओरिजिनल लगा लेना, वही फोटो लगाना जो आपने अपलोड की थी, ठीक है, इतना सा है। ओरिजिनल आईडी ले आना, भूलना मत, ठीक, इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी तो एडमिट कार्ड एक बार और पढ़ लेना, रात को तैयारी से पूरी सोना। तैयारी कौन सी, कल क्या क्या ले आना है, पढ़ाई वढ़ाई जितनी हो चुकी थी हो गई, अब सबकी अच्छी पढ़ाई हुई होगी, सबके अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।